बूंदी में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष देवराज गोचर से पीएचईडी के सहायक अभियंता कार्यालय में मंगलवार को जेईएन और जलदाय कर्मियों ने मारपीट कर डाली। मामले का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाकर मारपीट से अचेत हुए देवराज को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि देवपुरा और आसपास की बस्ती में जल संकट को दूर करने की मांग को लेकर देवराज गोचर मंगलवार को सहायक अभियंता कार्यालय में पहुंचे थे। वह सहायक अभियंता से बातचीत कर रहे थे, इसी दौरान बात बिगड़कर तीखी नोकझोंक में तब्दील हो गई। देवराज ऑफिस में खड़ा होकर नारेबाजी जाहिर कर रहा था, तभी कनिष्ठ अभियंता ब्रज गोपाल मीणा ने देवराज का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद धक्के देते हुए देवराज को सहायक अभियंता के कक्ष में ले गए और चैनल गेट को बंद कर दिया। इसके बाद जेईएन ने जलदाय कर्मियों के साथ मिलकर मारपीट शुरू कर दी। इससे कांग्रेस शहर अध्यक्ष देवराज गोचर अचेत होकर गिर गए। इसके बाद उन्हें ऑफिस के बाहर लाकर पटक दिया गया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना का पता चलने पर गोचर के समर्थकों ने जलदाय विभाग के ऑफिस के बाहर इकट्ठा होकर विरोध जताया। लोग मोहल्ले वासियों के साथ वार्ड की महिलाओं को लेकर के, पानी की समस्या की मांग को लेकर के हम लोग जलदाय विभाग में गए, क्योंकि पूर्व में भी दो तीन दिन पहले हम लोगों ने हमारे क्षेत्र की जो भी पानी की समस्या थी, बूंदी में जिस प्रकार की जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है कि पानी घरों में है कि डेढ़ डेढ़ महीनों से पानी नहीं आ रहा, और अगर कहीं पानी भी आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है। इस समस्या को लेकर के मैं आम आवाम महिलाओं के साथ जा करके वहाँ पर अपनी पीड़ा बताने के लिए हम लोग गए थे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया शांति पर, ज्ञापन के पश्चात वहाँ विभाग के कर्मचारी आक्रोशित हो गए कि ये नेतागिरी ज़्यादा करता है। इस बात को लेकर के उन लोगों ने मुझे, जब मैं बाहर आ गया था महिलाएं चली गई थी, तुरंत उन्होंने मुझे पकड़ के घसीट करके अंदर कमरे में ले जाकर के चैम्बर में पूरे विभाग के कर्मचारियों द्वारा मेरे साथ इतनी बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई, किसी ने लातों से घूसों से इतना बुरी तरह मुझे मारा। मैं अपना चेहरा बचाने के लिए मैंने दोनों हाथों को, मतलब मुझे बचना पड़ा। उन्होंने जैसे मान लीजिए कि इतनी निर्दयता से मुझे मारा जैसे कोई खुन्नस निकालते हैं, उन्होंने बहुत बुरी मेरी स्थिति कर दी। गोचर को बूंदी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मारपीट के विरोध और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देवराज गोचर ने अस्पताल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया है।